हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। कल के लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे कॉन्टिन्यूटी बेस्ड, यानी कि एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट कर रखी है और इसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, आज वो कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे डेरिवेबिलिटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 देखिए। शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन वैल्यू दे रहा है 1। बताना है कि ये एफ एक्स फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे अनलेस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1। मीन्स आपको प्रूव करना है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो इफ ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। अनलेस ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 दे रखा है ना, इसका मतलब है कि ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर एंड एट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन वैल्यू दे रहा है, यानी कि एफ ऑफ जीरो वैल्यू दे रहा है यहाँ से 1। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स दिस इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर ए एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यानी जो फॉर्मूला होता है आपके पास एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, ये 1 होता है। ओके, तब यही बनाइए यहाँ से, यानी कि एंगल हमारा सेम होना चाहिए, ए एक्स है तो यहाँ पर भी ए एक्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ए स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई एंड ए स्क्वायर से डिवाइड। ठीक है, एक्स स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं और इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इनको आप स्क्वायर साइन स्क्वायर एंड ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके स्क्वायर को हम इकट्ठा ले लेते हैं। और लिमिट भी क्या होनी चाहिए, अगर एंगल एक्स है तो लिमिट भी यही होनी चाहिए। अब हम देखेंगे अगर एक्स जीरो को टेंड कर रहा है देन ए इंटू एक्स इज ऑल्सो टेंस टू जीरो देन लिमिट ए एक्स टेंस टू जीरो ए स्क्वायर इंटू साइन ए एक्स डिवाइड बाय ए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखें, अब इस पे लिमिट अप्लाई करते हो ये 1 बन जाएगा हमारा, यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर। ये हमने लिमिट निकाल ली है। अब हम चेक करते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है। एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो के इक्वल आ जाए। फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब बनता है जब उस पर आप लिमिट अप्लाई करते हो और वो एफ ऑफ जीरो के इक्वल आ जाए। ठीक है, यहाँ वैल्यू रखिए एफ ऑफ एक्स, जब आपने लिमिट अप्लाई किया यानी कि यहाँ से हम सॉल्व करते जा रहे हैं और इसका आंसर हमारा क्या है, ए स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखी है हमने ए स्क्वायर इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, कितना दे रखा है एफ ऑफ जीरो इज अ 1 इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ से कंडीशन क्या आ रही है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस कब, जब ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूस इफ ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, तो ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी कि डिसकॉन्टिन्यूस किस पे होगा, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करें कब होगा, जब ए नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा। 11th is show that f of x equal to greatest integer x which is less than equal to x, greatest integer की definition होती है, this is discontinuous at each integral value, हर एक integer value पे f greatest integer x is a discontinuous function। ठीक है, and this discontinuity आर ऑफ फर्स्ट काइंड, यानी कि जो डिसकॉन्टिन्यूटी आप, पहले तो आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज अ डिसकॉन्टिन्यूस एट इंटीगल वैल्यू, हर एक इंटीजर पे डिसकॉन्टिन्यूस, और वो डिसकॉन्टिन्यूटी फर्स्ट काइंड की होनी चाहिए, ये भी आपको प्रूव करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी कौन सी कंडीशन या क्या कंडीशन होती है उसकी।
ऑल्सो शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, और आपको ये भी प्रूव करना है कि यही फंक्शन नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेके चलते हैं केस फर्स्ट, हम इसको चेक करेंगे। फंक्शन दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ईच इंटीग्रल वैल्यू लेट ए बी एन इंटीजर, हर एक इंटीग्रल वैल्यू पे फंक्शन को डिसकंटिन्यूस प्रूव कर रहे हैं, तो हमने ले लिया कि हमारा ए कोई भी इंटीजर है। देयरफॉर आप चेक करेंगे यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस, फंक्शन क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, दिस इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू जीरो, यहाँ पे आप रखेंगे एक्स माइनस ए इक्वल टू एच एज एक्स टेंस टू ए, एच टेंड करेगा जीरो को, ठीक है, तो ये लिमिट चेंज हो गई एस टेंस टू जीरो, एंड दिस इज एक्स के प्लेस पे क्या रखना है एक्स ए सॉरी एक्स इक्वल टू ए माइनस एच, ऐसे लेके चलते हैं ए माइनस एच। ठीक है, तो एक्स को हम चेंज कर देंगे ए माइनस एच में। अब यहाँ से आपको ये ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए ए हमने क्या लिया है, कोई भी इंटीजर, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि मान लें कि मैंने यहाँ पे टू ले लिया, ए की वैल्यू हमने टू ले लिए, ए इज टू, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए कि ए माइनस एच मीन्स मुझे निकालना है टू माइनस एच, टू से पहला इंटीजर वन एंड इसके बाद आता है थ्री, हम इंटीजर की बात कर रहे हैं, ए हमारा यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, अब टू माइनस एच मीन्स टू में से आप समथिंग क्वांटिटी माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो वैल्यू जाएगी टू माइनस एच इज लेफ्ट साइड ऑफ टू, देन इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा वन, समझ गए। अगर ए टू माइनस, अगर मैं ए को टू ले लेती हूँ तो टू माइनस एच की वैल्यू आ रही है वन, मीन्स ए में टू में से हमने एक कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर ए इंटीजर है, ये हमारा इंटीजर है और इसमें से आप एच माइनस कर रहे हो, दैट मीन्स ये वैल्यू जाएगी लेफ्ट में, और अगर आप इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ए से पहले वाला इंटीजर आएगा। अब आपको ये पता है कि इंटीजर में वन वन का गैप होता है, वन के बाद टू, टू के बाद थ्री, यानी कि कंजक्टिव नंबर्स में वन वन का गैप है, इसलिए इसे पहला जो इंटीजर आएगा वो आएगा ए माइनस वन और इसके बाद जो आएगा वो ए प्लस वन। ठीक है, तो इसे पहले इंटीजर कौन मिलेगा हमें ए माइनस वन, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए माइनस वन। ओके, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसको आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो ए प्लस एच, यहाँ पे हमें क्या पुट करना है एक्स को ए प्लस एच पुट करना है, एज एक्स टेंस टू ए देन एच टेंड करेगा जीरो को। ठीक है, ये इसके लिए, अब एच हमारा जीरो को टेंड कर रहा है, देन हमने ये पुट कर दिया। अब वही चीज़ आ जाती है कि अगर मैं ए को टू ले रही हूँ तो हमने देखना है टू प्लस एच, टू प्लस एच मीन्स ये टू के राइट में जाएगा, टू प्लस एच की वैल्यू मान लिया हमने कि ये यहाँ लाई कर रही है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, इससे पहले का इंटीजर क्या है यहाँ पे टू है, यानी कि टू आ जाएगा। ऐसे ही सेम चीज़ ए प्लस एच पे देखते हैं, ए प्लस एच हमारा ये है, जैसे ही आप ए प्लस करेंगे ये वैल्यू राइट में जाएगी, दैट मीन्स ए से ग्रेटर हो जाएगी, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इसका इंटीजर आ जाएगा ए, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास ए। लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है ए माइनस वन एंड राइट हैंड लिमिट आ रही है ए। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जो फर्स्ट काइंड की डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसमें यही कंडीशन होती है कि लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं होती। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज फर्स्ट काइंड डिसकॉन्टिन्यूटी इफ, या फिर आप लिख सकते हो फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज, जब हमने इंटीजर पे चेक किया है तो ये फंक्शन जो हमारा वो
डिसकॉन्टिन्यूस आ रहा है, और डिसकॉन्टिन्यूटी भी किस टाइप की है, फर्स्ट काइंड की। ठीक है, अब सेकंड केस देखिए। सेकंड में आपको क्या लेके चलना है, शो दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, कि फंक्शन हो जो है वो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस होगा। सेकंड केस चेक करते हैं। इसमें हम क्या लेके चलेंगे, ए इज एनी रियल नंबर अदर देन इंटीजर। ठीक है, दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू रियल नंबर बट ए डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर नहीं होगा, रियल नंबर कोई भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपके पास ए हमने लिया रियल नंबर, बट इंटीजर नहीं होना चाहिए। इंटीजर हमारा क्या होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये इंटीजर होते हैं। ए की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में लाया करेगी, ना तो ए की वैल्यू 1 हो सकती है, ना ही ए की वैल्यू 2 हो सकती है, क्योंकि हमने ए इसको नॉन इंटीगर लिया है। ठीक, नाउ इफ ए बिलोंग्स टू आर एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, मीन्स इंटीजर, अगर ए इंटीजर नहीं है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स एम एंड एम प्लस 1, टू कंजक्टिव इंटीजर लिए हमने, सच दैट ए की जो वैल्यू है वो लाई करेगी एम और एम प्लस 1 के बीच में। अंडरस्टैंड, अगर मैं ए को नॉन इंटीगर वैल्यू मीन्स मैं 1.5 ले लेती हूँ, तो 1.5 किन दो इंटीजर्स के बीच में लाई करेगा, 1 एंड 2 के बीच में। ठीक है, तो हम ये ले सकते हैं कि 1.5 लाइज बिटवीन 1 एंड 2, यानी 2 इंटीजर्स। तो यहाँ से हमने ले लिया कि m और m प्लस 1 दो इंटीजर ले लिए हमने, दीज आर बिलोंग्स टू इंटीजर, सच दैट कि a की वैल्यू m और m प्लस 1 के बीच में लाई करेगी। मीन्स ये a हमारा नॉन इंटीगर, m इंटीजर, m बिलोंग्स टू इंटीजर एंड m प्लस 1 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, अब आप इजीली निकाल सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसको आप चेंज करोगे, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस h, और a में से यहाँ पे मैंने समथिंग लेस किया, दैट मीन्स a में से मैं स्मॉल क्वांटिटी लेस करती हूँ, तो मीन्स मेरा यहाँ पे पॉइंट आ जाता है। तो इसके अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूंगी तो क्या आएगा, इससे पहले का इंटीजर, ये तो नॉन इंटीगल वैल्यू है, इससे पहले इंटीजर कौन है, m। यहाँ पे हमने लिया है कि हमारा यहाँ पे m इंटीजर और इसके बाद है m प्लस 1, तो लेस इंटीजर लेते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। अगर मैं a, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस h, और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा m, क्योंकि इससे पहले का इंटीजर हमारा है m। अंडरस्टैंड, राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट x टेंस टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, देन s टेंस टू 0 a प्लस h। अब a प्लस h की देख लीजिए, ये हमारा a पॉइंट है, a प्लस h मान लिया हमने, यहाँ पे आ जाता है हमारा a प्लस h, स्मॉल क्वांटिटी ऐड करेंगे एंड दिस इज a प्लस h, और ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, तो इससे लेस इंटीजर कौन है, यहाँ पे m, तो इसकी वैल्यू भी m आ रही है, बिकॉज a प्लस h इज ऑल्सो लाइज बिटवीन m एंड m प्लस 1। ओके, a प्लस h नॉट इक्वल टू m प्लस 1, बिकॉज बिटवीन a एंड m प्लस 1, बिटवीन द पॉइंट a एंड m प्लस 1 देर आर इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। ठीक है, तो हम इसमें इतनी स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं a में कि वो m प्लस 1 के इक्वल नहीं हो सकती, फिर भी a में ऐड करने के बाद भी ये क्वांटिटी m प्लस 1 से लेस ही रहेगी। ओके, तो इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो ये आ जाएगा m, इसकी वैल्यू भी आ रही है m। अब देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और अगर दोनों लिमिट इक्वल है, देयरफॉर आवर फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस, देन यू कैन राइट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल नॉन इंटीगल वैल्यूज। ओके, इस तरह से आपको प्रूव करना है। नंबर 12 देखिए, प्रूव दैट द फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूस, मीन्स आपको फंक्शन दे रखा है और इसको आपको कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। ठीक है, इन कोर्स मोड ऑफ एक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कंपोजिशन से सॉल्व करेंगे, कंपोजिशन फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम लेट एफ ऑफ एक्स हम ले लेते हैं कॉस एक्स, एंड जी ऑफ एक्स हमने ले लिया मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से कि
एफ ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स बन रहा है एंड जी ऑफ एक्स हमारा मोड ऑफ एक्स दे रखा है हमने, तो क्या ये कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स आ जाएगा? कंपोजिशन कैसे लगाएंगे हम यहाँ पे? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको सॉल्व कीजिए। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखी है यहाँ पे, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स का हम क्या मतलब होता है, जो आपने एफ एक्स फंक्शन लिया है वहाँ पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे मोड ऑफ एक्स से, ठीक है। दिस, तो यहाँ से एफ ऑफ मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स एंड दिस इक्वल टू दिस फंक्शन जो हमें चेक करना है। मीन्स हमने यहाँ से कॉम्पोजिशन फंक्शन बना लिया एफ ऑफ जी की वैल्यू कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स। अब हम बात करते हैं फंक्शन एफ एक्स की। एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ये आप पीछे प्रूव कर चुके हो। एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यूज। एफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, जी ऑफ एक्स मोड ऑफ एक्स ये भी कॉन्टिन्यूस होता है फॉर ऑल रियल वैल्यूज के लिए। तो जो कंपोजिशन फंक्शन हमने बनाया है एफ ऑफ जी एक्स, ये किससे? एफ और जी से ही बनाया है हमने, है ना, एफ और जी फंक्शन का यूज करके। दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। ओके, ये थ्योरम है आपके पास कि एफ फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस है, जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो अगर कॉस ऑफ मोड ऑफ एक्स या साइन मोड ऑफ एक्स आ जाता है तो आपको इस तरह से करना है। अगर यहाँ पे साइन ऑफ मोड ऑफ एक्स होता तो आप कैसे करते? यहाँ से एफ एक्स को लेते साइन एक्स और जी एक्स को लेते मोड ऑफ एक्स, कि कंपोजिशन इस तरह से आना चाहिए कि हमारा ये फंक्शन आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। एफ एक्स दे रखा है मोड ऑफ साइन एक्स, इसमें कंपोजिशन बनाने की शायद ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप इसको डेफिनेशन से प्रूव कीजिए, कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है, और इसको ऑल रियल नंबर्स पे आपको प्रूव करना है लेफ्ट, क्योंकि हमें इसमें पॉइंट नहीं दे रखा कि आप एक्स इक्वल टू जीरो पे या वन पे किस पे कॉन्टिन्यूटी चेक करोगे। तो हम ऑल रियल नंबर्स के लिए प्रूव करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन एफ ओफ एक्स माइनस एफ ओफ ए, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम। एफ ओफ एक्स की वैल्यू है मोड ऑफ साइन एक्स माइनस एफ ओफ ए, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप साइन ए और कंप्लीट का मॉडुलस। ओके, ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है आपके पास, मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। हम इसका यूज़ करेंगे और ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ए। इसके आगे तो आप बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हो और बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। कैसे करते हैं हम? सी डी फॉर्मूला अप्लाई करते माइनस टू कॉस ऑफ एक्स प्लस, अच्छा साइन ए माइनस ए प्लस में जाएगा इनटू साइन एक्स माइनस ए बाय टू, दिस इज इक्वल टू टू इनटू मॉड कॉस ऑफ एक्स प्लस ए बाय टू इनटू साइन, अलग अलग कर लेते हैं मॉडुलस, एक्स माइनस ए बाय टू। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे कॉस थीटा लेस देन इक्वल टू वन, ये लेस देन इक्वल टू वन हो जाएगा, ये रिमेनिंग फैक्टर इज अ साइन एक्स माइनस ए बाय टू मॉड, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे मोड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ थीटा, देन दिस इज लेस देन इक्वल टू आएगा टू इंटू एक्स माइनस ए बाय टू, टू से टू कैंसिल, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस ए। नाउ दिस हम ये लेके चले थे एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन, इसको हम डेल्टा रख देंगे देन एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। देयरफॉर फंक्शन मोड ऑफ साइन एक्स is continuous for all a belongs to real number means all real numbers, ठीक है। ये complete का modulus है, अगर complete का cos में आ जाता है उसको भी आप ऐसे ही prove करेंगे, but अगर angle का mod आ जाता है, mod of sin x और mod of cos x हमने यहाँ पर कर ही लिया है, mod of sin sorry sin of mod of x, इसको आप as it is इस तरीके से करेंगे, शायद example भी होगा तो देख लेना इसको। question 12th third part देखिए।
लेट ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ए पे हम चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी, देन एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन। डेफिनेशन क्या होती है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए हम निकालते हैं यहाँ से, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस साइन ए स्क्वायर प्लस वन। साइन ए माइनस साइन बी सी डी फॉर्मूला ओपन कीजिए, टू इंटू कॉस, एंगल को एक बार हम ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू डिवाइड बाय टू इंटू साइन ऑफ माइनस करेंगे देन ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू, वन से वन कैंसिल हो जाएगा। ओके देन मॉडुलस अलग अलग करते हैं, टू टाइम मॉड ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू बाय टू इंटू साइन ऑफ, इसको आप लिखेंगे यही रहने दो अभी, तो आगे चेंज करते हैं इसमें, कॉस थीटा इज लेस देन वन देन टू इंटू मॉड ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू। यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की कि कॉस थीटा का मॉड लेस देन इक्वल टू वन होता है, देन दिस इज कंप्लीट क्वान्टिटी इज लेस देन वन। ओके और यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय टू बिकॉज साइन थीटा मॉड लेस देन इक्वल टू थीटा, तो हमने इसका थीटा रख लिया और साइन को लेस देन वन। ओके टू से टू कैंसिल द इक्वल टू एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। ओके नाउ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन इफ एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए लेस देन एप्सिलॉन, हमें एक्स माइनस ए रखना है क्योंकि ए पे ही कॉन्टिन्यूस चेक करना है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन इस क्वांटिटी को लेके जाइए आप प्लस, ठीक है, या फिर आप इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं कि इसको आप लिखें एक्स माइनस ए एज इट इज रखेंगे और इसको आप सेपरेट कर सकते हो प्लस मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ ए और इसको आप इधर लेके आएंगे मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ ए और इस कंप्लीट क्वांटिटी को हम ले लेंगे डेल्टा। देयरफॉर कंडीशन चल रही है इफ एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा और यही कंडीशन आपको प्रूव करनी होती है, देयरफॉर एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट रखा है एफ ऑफ एक्स, इसको भी आप ए पे ही चेक करेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर एंड एफ ऑफ ए आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन एंड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेके चलेंगे हम यहाँ से क्वांटिटी, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एंड एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से ए स्क्वायर माइनस ए प्लस वन। मॉडुलस की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, दिस इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस दिस क्वांटिटी, तो माइनस ओपन कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए माइनस वन, वन से वन कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एंड यहाँ से आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स माइनस ए। ओके दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस ए माइनस वन। ओके एंड इसको आप सेपरेट कर सकते हो, यानी कि सबसे पहले आप मॉडुलस अलग अलग करेंगे, एक्स माइनस ए तो हमें चाहिए, इसको तो आपको रखना है और इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप लिखेंगे एक्स प्लस ए माइनस वन एंड सेपरेटली अगर मॉडुलस सेपरेट करते हो यहाँ पे एक एक नंबर पे तो लेस देन हो जाएगा मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ ए प्लस वन। ओके नाउ दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ दिस क्वांटिटी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, एंड इफ एक्स माइनस ए इसको हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे लेस देन अपॉन मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ ए प्लस वन और इसको कंप्लीट को ले लोगे डेल्टा, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन होगा कब, जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल। ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और इसमें आपके पास दे रखा है डेरिवेबिलिटी, डेरिवेबिलिटी ऑफ
यानी फंक्शन आपको चेक करना है, यानी फंक्शन डेरिवेबल एट ए पॉइंट या फिर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो डेरिवेबल की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डैश एक्स, बाय डेफिनेशन हम कैसे निकालते हैं, इन द डेफिनेशन ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एच, ठीक है। जो आप ऐड कर रहे हैं उसी से आपको डिवाइड करना है एंड उसी को आपको लिमिट अप्लाई करना है एस टेंस टू जीरो, दैट मीन्स इसका मतलब होता है एफ डैश एक्स। अगर हम किसी पॉइंट पे चेक करते हैं एफ डैश सी, देन कैसे निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच, देन यू कैन से दैट फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी, ओके। और अगर आपको चेक करना है कि अब प्रूव करना आ जाएगा कि फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है, तो आपको यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या लेके चलेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो माइनस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जीरो माइनस कर देंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और जीरो प्लस कर लेते हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपको फंक्शन को डेरिवेबल चेक करना है तो दोनों लिमिट्स इक्वल आने चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर दोनों इक्वल आते हैं देन अवर फंक्शन एफ एक्स इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू सी। देखिए एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन फर्स्ट, प्रूव दैट फंक्शन आर कंटिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल, कि ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है बट डेरिवेबल नहीं है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है। चलिए फंक्शन दे रखा है मोड ऑफ एक्स, तो कंटिन्यूटी तो हमने जैसे अभी एक्सरसाइज की 1.2 एज इट इज़ करना है। मैं एक पार्ट करके दिखा देती हूँ आपको, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ से, किस पे चेक कर रहे हो, एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो और फंक्शन दे रखा है मोड ऑफ एक्स, ओके। लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो में चेंज, इसका एच को चेंज में चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जीरो माइनस एक्स, ओके सॉरी जीरो माइनस एच, ठीक है। एच को यहाँ पे रखेंगे जीरो, लिमिट अप्लाई करते हैं, देन दिस इज जीरो, आंसर आ जाएगा जीरो। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट निकालोगे आप, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस मोड ऑफ एक्स, लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच एंड दिस इक्वल टू जीरो, दोनों लिमिट इक्वल आ रही है, देयरफॉर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ओके। अब हम चेक करते हैं डेरिवेबिलिटी, कि ये फंक्शन डेरिवेबल है कि नहीं एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। तो आपको निकालना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ध्यान से देखना है यहाँ पे, कि जो मैंने अभी आपको लिमिट बताया था कि जीरो माइनस या जीरो प्लस, जीरो माइनस को हम डायरेक्ट एस टेंस टू जीरो पे लेके जाते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ से, एफ ऑफ किस पे चेक कर रहे हो, जीरो पे। पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ, एस टेंस टू जीरो सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय माइनस एच, ये आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में लेना है। अदरवाइज हमने क्या लिखा था, लिमिट एस टेंस टू जीरो माइनस एफ ओफ सी प्लस एच माइनस एफ ओफ एक्स अपॉन एच, इसको जीरो माइनस को आप अरेंज करेंगे पुट करके तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, ओके। एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आप करेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ओफ सी प्लस एच, यहाँ पे एक्स नहीं सी आएगा, माइनस एफ ओफ सी डिवाइड बाय एच, यहाँ पे एच पॉजिटिव राइट हैंड डेरिवेटिव में, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एच दोनों नेगेटिव लेने हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमें चेक करना है जीरो पे, मीन्स यहाँ इसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश सी, सी की वैल्यू जीरो रखेंगे हम निकाल रहे हैं जीरो पे, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, लेफ्ट की बात कर रहे हैं हम, माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय माइनस एच, और लिमिट रहेगी एस टेंस टू जीरो, यानी माइनस प्लस का चक्कर गायब, हमने डायरेक्ट यहाँ पे माइनस ले लिया है, ओके। अब देखिए यहाँ से एफ ऑफ जीरो माइनस एच मतलब एफ ऑफ माइनस एच, यहाँ पे निकालते हैं एफ ऑफ कितना दे रखा है एक्स,
मोड ऑफ एक्स दे रखा है, तो एफ ऑफ माइनस एच निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मोड ऑफ माइनस एच, ठीक है, ये इसकी वैल्यू। और एफ ऑफ जीरो निकालते हैं तो एक्स को जीरो में रिप्लेस करेंगे तो जीरो ही आएगा, माइनस एच का मोड दिस, पहले लिमिट रखेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच की वैल्यू आ जाएगी माइनस एच मोड, एंड एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ज़ीरो डिवाइड बाय माइनस एच। ओके, नाउ माइनस एच का मॉडुलस इज पॉजिटिव, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो मोड ऑफ एच, या माइनस मोड ऑफ एच का अब अगर आप मोड सॉल्व करेंगे तो एच ही आएगा, एच से एच कैंसिल, आंसर आ गया माइनस वन। ओके, ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, यहाँ पे लिमिट नहीं है, हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, भाई ये भी कन्फ्यूजन रहेगा, अब कंटिन्यू एक्सरसाइज हो गई। एस टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइड बाय ज़ीरो, ये आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। ओके, दिस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच मीन्स एफ ऑफ एच, वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एच की, जहाँ पे भी एक्स होगा उसको एच में चेंज कर लेंगे, ये आ जाएगा मोड ऑफ एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इज ज़ीरो डिवाइड बाई एच, एच मोड ऑफ एच माइनस ज़ीरो रहेगा, पॉजिटिव है तो मोड भी हटा सकते हो, एच से एच कैंसिल, आंसर आ गया वन। देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो, हमने इसको ज़ीरो पे चेक किया है, ठीक है, तो इस तरह से डेरिवेटिव चेक करनी है आपको। सेकेंड देखिए, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स इंटू टेन इनवर्स वन बाय एक्स, इसको आपको कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डेरिवेबिलिटी भी एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे आप, मैं डायरेक्ट डेरिवेबिलिटी बता रही हूँ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच, बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है बात कि अगर आप ज़ीरो पे चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच लेंगे। ओके, इसका मीनिंग ये है कि ये आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो एट एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे, ठीक है, अप्लाई कीजिए, यानी वैल्यूज़ रखनी है हमें, एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, माइनस एक्स नहीं एच, एफ ऑफ माइनस एच एफ ऑफ एक्स ये दे रखा है, पुट करिए यहाँ पे, माइनस एच इंटू टेन इनवर्स वन अपॉन माइनस एच, ये एंगल हो गया, माइनस एफ ऑफ ज़ीरो, जैसे आप एफ ऑफ ज़ीरो लेते हैं, टेन इनवर्स यहाँ पे ज़ीरो इंटू सम फिक्स फाइनाइट क्वांटिटी, ये आ जाएगा ज़ीरो, और वैसे भी यहाँ पे दे रखा है ज़ीरो, एफ ऑफ ज़ीरो दे रखा है ज़ीरो, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो डिवाइड बाई माइनस एच। ओके, माइनस एच से माइनस एच कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे हम किस पे, एच टेंस टू ज़ीरो टेन इनवर्स माइनस वन बाय एच, ठीक है, अब एच की वैल्यू आप ज़ीरो रखें यहाँ पे, पहले आप माइनस को बाहर ले लेते हैं, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, इसको आप रखेंगे एंगल का माइनस टेन इनवर्स में, यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स वन बाय एच, अब आप एच को ज़ीरो पुट कर सकते हैं, माइनस टेन इनवर्स वन बाय ज़ीरो, और वन बाय ज़ीरो कितना होता है, इन्फिनिटी, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी पाई बाय टू, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस पाई बाय टू, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइड बाय एच, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, आप एफ ऑफ एच की वैल्यू रखते हैं तो यह आ जाएगा एच इंटू टेन इनवर्स वन बाय एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो रहेगा डिवाइड में एच, माइनस ज़ीरो हटा दें, एच से एच कैंसिल, वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स वन बाय ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी एंड दिस इज़ पाई बाय टू, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है माइनस पाई बाय टू एंड राइट हैंड डेरिवेटिव इज़ पाई बाय टू, दोनों इक्वल नहीं है, देयरफॉर एफ एक्स इज़ नॉट डेरिवेबल, यही आपको प्रूव करना था कि डेरिवेबल नहीं होगा बट कॉन्टीन्यूस होगा, कॉन्टीन्यूस आप खुद चेक करेंगे, जो हमने अभी जैसे अभी मैंने इसको दिखाया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यहाँ पे निकाल के, दोनों इक्वल आनी चाहिए और इक्वल टू ज़ीरो के आना चाहिए, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ओ ज़ीरो, तीनों कंडीशन होती है
कॉन्टिन्यूटी के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एफ ऑफ एक्स दे रखा है 2 + x इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर देन भी है और यहाँ पे इक्वल टू भी, और 2 - x है जब x लेस देन 0 होगा, ठीक है। और आपको एट ओरिजिन पे चेक करना है, चेक क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डेरिवेबिलिटी, कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या डेरिवेबल, दोनों चेक करने हैं आपको यहाँ पे। तो कॉन्टिन्यूटी तो आप चेक कर लेंगे, कॉन्टिन्यूटी के लिए आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, दोनों इक्वल आने चाहिए। और डेरिवेबिलिटी के लिए आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, आर ऑफ किस पे निकाल रहे हो, ओरिजन मीन्स एक्स इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना है, राइट हैंड डेरिवेबिलिटी यानी कि एफ डैश 0, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू क्या फॉर्मूला था भाई, एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय एच, ठीक है। लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच मीन्स एफ ऑफ एच, यहाँ पे आएगा माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय एच, ठीक है। एफ ऑफ एच की वैल्यू निकालिए, अब हम निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव, एक्स ग्रेटर देन 0 दिस फंक्शन आप ये लेके चलेंगे एफ ऑफ एच, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एच निकालेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी इसकी, एफ ऑफ एच इज 2 + h, ओके ग्रेटर देन लेंगे जो एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक्स लेस देन 0 वाला फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 की वैल्यू इक्वल किसके साथ है, दिस फंक्शन, यहाँ पे आप रखेंगे x को 0 तो 2 + 0 इज 2, एफ ऑफ 0 की वैल्यू आ गई 2 -2 डिवाइड बाय h, 2 से 2 कैंसिल, h से ये आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0 h बाय h, और h से s कैंसिल, आंसर इज 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, l ऑफ f डैश 0 मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस एच, ओके एफ ऑफ 0 माइनस एच मीन्स आपको निकालना है एफ ऑफ माइनस एच, इसको आप लिखेंगे एस टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय माइनस एच, एफ ऑफ माइनस एच। अब देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हम ये फंक्शन लेके चलेंगे, यानी कि फंक्शन हमारे पास है 2 - x और हमें चाहिए एफ ऑफ माइनस एच, देन ये क्या आ जाएगा 2 - h 2 + h, ठीक है। दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस एच की वैल्यू आ जाती है 2 + h माइनस एफ ऑफ 0 की हमने यहाँ निकाली थी 2 डिवाइड बाय माइनस एच, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई माइनस एच, एच से एच कैंसिल, आंसर इज 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है 1 एंड राइट हैंड इज 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल, ठीक है। शो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस 1 इज अ कॉन्टिन्यूस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0 एंड 1। कॉन्टिन्यूस तो है ये फंक्शन, किस पे, एक्स इक्वल टू 0 पे भी चेक करोगे आप, जो कॉन्टिन्यूटी पूछ रखी है वो एक्स इक्वल टू 0 एंड 1 दोनों पे आपको चेक करनी है। यहाँ पे मैं डेरिवेबिलिटी आपको बता देती हूँ कैसे चेक करोगे, कॉन्टिन्यूटी आप इट्सेल्फ करना, एफ डैश 0 आपको निकालना है, राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं सबसे पहले, पहले हम चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पे और फिर आप चेक करेंगे एट एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0 पे निकाल रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइड बाय एच, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच मीन्स एफ ऑफ एच, और एफ ऑफ एच की वैल्यू यहाँ से आएगी, यहाँ से आ जाएगी मोड ऑफ एच प्लस मोड ऑफ एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 0, 0 0 पुट कीजिए तो 0, यहाँ से 0 पुट करेंगे यानी आपको एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है 0 प्लस 0 माइनस 1, ये 0 यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 मोड यानी कि 1, ठीक है। तो माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय h, ओके
अब ये मॉडुलस हम सॉल्व करते हैं. लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, मोड ऑफ एच इज एच एंड एच माइनस वन. आप एच की लिमिट ले रहे हो ज़ीरो एंड एच माइनस वन इज अ नेगेटिव फोर एच टेंस टू ज़ीरो. ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एच माइनस वन. ये जो क्वांटिटी होगी ये एच अगर वन से लेस क्वांटिटी है उसके लिए मॉडुलस नेगेटिव होगा और वन से ग्रेटर है तो मॉडुलस पॉजिटिव होगा. ठीक है, मोड ऑफ एच माइनस वन को आप ब्रेक करेंगे एच माइनस वन कब, जब एच ग्रेटर देन इक्वल टू वन है और नेगेटिव होता है जब एच को लेस देन वन लेते हैं. तो ये एच हमारा किसको टेंड कर रहा है, ज़ीरो को, तो वन से लेस है तो नेगेटिव आ जाएगा. यहाँ से माइनस वन डिवाइड बाई एच, सॉल्व करते हैं इसको. एच माइनस एच प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई एच, थ्रू आउट कैंसिल, लिमिट चल रही है एच टेंस टू ज़ीरो, देन ज़ीरो बाई एच इज ज़ीरो. तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ जाता है ज़ीरो. ऐसे ही आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे. लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो माइनस एच माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइड बाई माइनस एच. एफ ऑफ माइनस एच रखिए, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे माइनस में चेंज कर दीजिए. माइनस एच प्लस माइनस एच माइनस वन माइनस एफ ऑफ ज़ीरो इज वन एंड डिवाइड बाय माइनस एच, लिमिट इज एस टेंस टू ज़ीरो. ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको. लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो माइनस मोड ऑफ एच इज एच, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए आप. माइनस कॉमन लेंगे और क्योंकि एच ज़ीरो को टेंड कर रहा है तो ये वन से लेस हो जाएगा, इसके लिए नेगेटिव मीन्स ये पॉजिटिव बन जाएगा. एच प्लस वन माइनस वन डिवाइड बाई माइनस एच, वन से वन कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो टू एच डिवाइड बाई माइनस एच, एच से एच कैंसिल, आंसर इज माइनस टू. देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास माइनस टू एंड राइट हैंड इज ज़ीरो. यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयर फॉर दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू वन. ठीक है, इसी तरह से आपको वन पे चेक एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे चेक किया हमने, इसी तरह से वन पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स. अब वन पे निकालेंगे. ठीक है, लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ किस पे निकाल रहे हो, वही पॉइंट आ जाएगा वन माइनस एच. लेफ्ट हैंड लिखा है मैंने यहाँ पे माइनस एफ ऑफ ज़ीरो डिवाइड में माइनस एच. सॉल्व कर लेंगे इसको. वन माइनस एच पुट करना है आपको, वन माइनस एच यहाँ पे. ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश वन, यानी कि वन पे निकाल रहे हो. लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ वन प्लस एच माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे ज़ीरो नहीं भाई, वन वन डिवाइड बाई एच. ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव. ठीक है, तो वन पे निकाल रहे हो तो एफ ऑफ वन माइनस एच एफ ऑफ वन, ऐसे ही राइट पे वन पे निकाल रहे हैं. ठीक है, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स दे रखा है, आप एफ ऑफ वन की वैल्यू निकाल सकते हैं. मोड ऑफ वन प्लस मोड ऑफ वन माइनस वन कैंसिल, ये भी वन आ जाएगी. और एफ ऑफ वन प्लस एच, आप एक्स के प्लेस पे वन प्लस एच पुट करेंगे एक बार, आप यहाँ पे वन माइनस एच, इनकी वैल्यूज आ जाएंगी एंड लिमिट अप्लाई करेंगे. देखिए यहाँ पे हमें डेरिवेटिव्स की चेक करनी है कि क्या ये एट एक्स इक्वल टू ए पे डेरिवेबल है या नहीं है. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए किस पे, ए पॉइंट पे. लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हो तो ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय माइनस एच. लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, यहाँ से पुट कीजिए, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आप रखेंगे ए माइनस एच, देन ए माइनस एच माइनस ए, ऐसे यहाँ पे रखेंगे साइन ऑफ वन अपॉन ए माइनस एच माइनस ए. एफ ऑफ ए की वैल्यू, यानी जब एक्स ए है तो फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो डिवाइड बाय माइनस एच. ठीक है, ए से ए कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो माइनस एच इंटू साइन ऑफ माइनस वन बाई एच है, इसको आप लिखेंगे माइनस साइन ऑफ वन बाई एच डिवाइड में माइनस एच. माइनस से माइनस कैंसिल, एच से एच कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा लिमिट एस टेंस टू ज़ीरो माइनस साइन वन बाई एच. एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि साइन थीटा इज अ लाइज बिटवीन माइनस वन एंड वन, देयर फॉर इफ वी टेंस एस टेंस टू ज़ीरो देन साइन वन बाई एच जो वैल्यू देगा वो क्या, क्योंकि साइन यहाँ पे आप पुट करेंगे ज़ीरो,
तो 1/0 इज इन्फिनिटी। वैसे तो हम ये इन्फिनिटी साइन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, बट हमें ये पता है कि साइन थीटा जो भी वैल्यू आपके पास, ये ऑसिलेट करता है, जो इसकी वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन के बीच में लाई करती है। ओके नाउ अगर हम एच को जीरो पुट करते हैं, यानी ये लिमिट अप्लाई करते हैं, देन साइन 1/h ऑसिलेट बिटवीन माइनस वन एंड वन, देन ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं देगा हमारे पास, ठीक है, कि इसकी लिमिट जो वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम टू सेम आप राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो जैसे ही आप लेफ्ट और राइट निकाल रहे हैं, यहाँ पे ये ऑसिलेट करेगा, मीन्स वैल्यू तो आएगी कोई माइनस वन वन के बीच में, बट वो फिक्स क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप एफ डैश ए निकालेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय एच, इसी तरह से आपको ये करना है। वहाँ से भी इसी यही आएगा, यहाँ पे प्लस का आ जाएगा, ठीक है, जब आप राइट हैंड लिमिट करेंगे तो वो भी ऑसिलेट करेगा बिटवीन वन एंड माइनस वन, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स इंटू ई रेस्ट पर 1/x माइनस ऑफ दिस, इसको आपको एट एक्स इक्वल टू ए पे, एट एक्स इक्वल टू ए पे डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से करना है, इसमें भी ए है या जीरो है, जीरो पे चेक करना है भैया। फिफ्थ क्वेश्चन में एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करना है, जीरो एंड एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से देखिए फंक्शन दे रखा है, लेफ्ट हैंड इसका डेरिवेटिव निकालिए, जीरो पे निकाल रहे हैं, यहाँ पे हमने ए पे निकाला था तो ए माइनस एच किया था, है ना, यहाँ पे भी ए प्लस एच माइनस एफ ओ फे। अगर आप जीरो पे लेते हैं, देन लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच माइनस एफ ओ जीरो डिवाइड बाय माइनस एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ओ जीरो माइनस एच, यानी कि माइनस एच पुट करेंगे जहाँ पे भी एक्स होगा, तो यहाँ से देखिए माइनस एच ई रेज टू पावर माइनस वन बाई एच, एक्स के प्लेस पे माइनस एच रखेंगे, माइनस माइनस वन बाई एच डिवाइड बाय माइनस वन बाई एच एंड प्लस ई रेज टू पावर, ये प्लस का हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो दे रखी है, माइनस जीरो और डिवाइड में माइनस एच, तो माइनस एच से तो माइनस एच कैंसिल, अब ये फैक्टर रह जाता है, आपको इस पर जीरो लिमिट अप्लाई करना है, और ये आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो लिमिट के चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा कॉमन निकालेंगे इसको, क्योंकि हमें इसको वन अपॉन में लेके आना होता है, तो ये फैक्टर आप कॉमन ले लीजिए, लिमिट एस टेंस टू जीरो पॉजिटिव जो टर्म होती है वन बाय एच, ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा माइनस टू बाय एच माइनस वन, ऐसे ही आप डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टू बाई एच प्लस वन, कैंसिल, इसको आप लिखेंगे वन, आप पहले जीरो लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पे, ई रेज टू पावर माइनस टू बाई जीरो इज ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, एंड यहाँ पे रखेंगे ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, और इसको रखेंगे वन अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, एंड ये हो जाएगा वन अपॉन ई रेज टू पावर इन्फिनिटी प्लस वन, और वन बाई इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, जीरो माइनस वन, जीरो प्लस वन इज अ माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया माइनस वन। इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से आपके यहाँ पे आएगा और वहाँ पे उसकी वैल्यू आएगी प्लस वन, इसलिए फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, ठीक है। इस एक्सरसाइज के दो या तीन क्वेश्चन और रहते हैं, तो उनकी मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, आप वहाँ से चेक कर लेना, करवाते करवाते बहुत लेट हो गया है और बहुत लेंथी लेक्चर हो जाएगा, करने एज इट इज़ ऐसे ही है, आपको मेथड क्लियर हो गया होगा इतने क्वेश्चंस में, और करने एज इट इज़ ही है, आप वहाँ से चेक कर लेना और सॉल्यूशन देख सकते हैं, और उनको ट्राई कीजिए। आज हमारा चैप्टर खत्म हो गया है, कल हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री, जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इसको ट्राई करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।